जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आपके जीवन का वो तारीख कौन सी तारीख दोस्तों, 22 तारीख, जिस दिन आप क्या करने वाले हैं, अपना किस्मत दोस्तों खुद अपने हाथों लिखने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी आपने मेहनत किया है सच्ची लगन के साथ दोस्तों, जो आपने संघर्ष किया है, अब वक्त आ चुका है दोस्तों उसको हकीकत में बदलने का। और दोस्तों उसको हकीकत में बदल कर इस दुनिया को बताइए दोस्तों कि अपनी किस्मत कलम के माध्यम से, अपने दोस्तों लगन के माध्यम से खुद अपने हाथों लिखी जा सकती है। तो आइए दोस्तों, आप इस संघर्ष की दुनिया में दोस्तों कदम रख चुके हैं और आपका दोस्तों हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका हम वेलकम करते हैं। अब दोस्तों आपका सामना होने वाला है इस 40 सेकेंड वाली टेस्ट सीरीज में दोस्तों, उन प्रश्नों के माध्यम से जो आपकी एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस सीरीज में दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों क्या करना है, आपके हौसले को दोस्तों हमें बढ़ाना है। और दोस्तों उसी के लिए आपके लिए मोटिवेशन लाइन है, पढ़िएगा कि सब्र करना पड़े तो कर लेना, मुसीबतों से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में तू चाहे वो वक्त ले लेना। और ध्यान रखना दोस्तों, आप अगर वक्त के साथ चल रहे हैं तो वक्त भी दोस्तों आपसे कदम से कदम मिलाकर चलेगा, आपको दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस टेस्ट सीरीज में कदम रखते हैं और आप भी दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, ये तीसरा एपिसोड प्रारंभ हो चुका है और इस तीसरे एपिसोड में दोस्तों आपकी दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने दोस्तों पहले और दूसरे एपिसोड में जो हमें प्यार दिया है, हम दोस्तों वाकई में उस आपके उस प्यार का दोस्तों हम दोस्तों आपका तारीफ करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हर क्वेश्चन में क्या लगाने वाला हूं, मैं अब टाइमर लगाने वाला हूं और आपको केवल 40 सेकेंड का समय मिलेगा दोस्तों। 40 सेकेंड में ही गेम को दोस्तों क्या करना होगा, अपने अंदाज में गेम को खेलना होगा। और दोस्तों जो भी खिलाड़ी खेल को अपने अंदाज में खेलता है वो खेल को दोस्तों जरूर अपना बना लेता है, मैदान उसका हो जाता है। तो आप भी दोस्तों इस मैदान को अपने नाम करिए और चलिए दोस्तों उठाइए नोटबुक और उठाइए अपना कलम और तैयार रहिए हमारे साथ। देखिएगा पहला क्वेश्चन आ चुका है, टाइमर दोस्तों मैं अब आपके सामने सेट करता हूं। अब देखिएगा ये जो टाइमर है दोस्तों 40 सेकेंड से 1 सेकेंड ना तो कम आपको मिलेगा और ना ही अधिक। तो चलिए प्रारंभ होता है टाइमर। अब क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं दोस्तों, सुनिएगा कि किसी हाउस होल्ड कॉमर्शियल अंतर्वर्तक की आउटपुट किस रूप में होती है। सुनिएगा, ऑप्शन ए है कोई नहीं, ऑप्शन बी है सिनुसोइडल, ऑप्शन सी है सौ दंतनुमा, ऑप्शन डी है क्वासी स्क्वायर। आंसर बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए शुरू हो जाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप पूरे समय का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब आप कमेंट करके बताइए क्या आप 40 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में सक्षम है या नहीं। अगर नहीं दोस्तों तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिएगा आंसर अब हम निकालते हैं इसका क्या होगा। किसी हाउस होल्ड कॉमर्शियल अंतर्वर्तक की जो आउटपुट होती है इसको किस रूप में, ये किस रूप में होती है, सिनुसोइडल, सात दंतनुमा या क्वासी स्क्वायर। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्वासी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो चुका है और एक नंबर दोस्तों मैं आपके अकाउंट में ऐड कर चुका हूं, क्वासी स्क्वायर इसका सही आंसर है। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, वो हकीकत आपके सामने आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब आपको ऐसे इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कैसा इंफॉर्मेशन दोस्तों जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में काम आ सकता है। तो देखिएगा क्वासी स्क्वायर इसका सही आंसर है, लेकिन जो इन्वर्टर है ये क्या करती है, इन्वर्टर करती है दोस्तों कि किसी बैटरी में स्टोरेज इलेक्ट्रिक फील्ड पावर को क्या करती है, ये एसी पावर में कन्वर्ट करती है। और जैसे ये पावर को कन्वर्ट करती है तो साथ में दोस्तों उसके वेव फॉर्म को भी ये कन्वर्ट कर देती है, यानी कि बदल देती है। लेकिन दोस्तों आउटपुट में ये किस प्रकार का वेव
देती है स्क्वायर वेव। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, स्क्वायर वेव का दोस्तों तरंग बना करके, तो देखिए इस प्रकार से बनता है, यानी कि इसका स्क्वायर वेव दोस्तों इस आकार का स्क्वायर वेव होता है। अब मैं आपको एक हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूं, सुनिएगा वो हकीकत क्या है। यहां पर टाइम क्या है दोस्तों, जीरो टाइम है, और देखिए जीरो टाइम पर आपको दोस्तों मैक्सिमम मिल रहा है क्या, किसी करंट का वेव क्या मिल रहा है दोस्तों, मैक्सिमम मिल रहा है जीरो टाइम पे ही। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये इम्पॉसिबल लग रहा है आपको या पॉसिबल लग रहा है? तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों, जीरो टाइम पर कभी भी किसी करंट या किसी पावर का वेव फॉर्म मैक्सिमम नहीं हो सकता। ये दोस्तों भौतिक रूप से यानी कि फिजिकल रूप से दोस्तों ये असंभव है, लेकिन कहने को है दोस्तों। तो क्या आंसर इसका सही हो गया है, क्वासी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हकीकत से रूबरू हो चुके हैं। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने लाता हूं, तैयार रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है, अब देखिएगा टाइमर आपके सामने है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है टाइम क्वेश्चन का। अब सीआरओ वेव मापक यंत्र का इनपुट प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए है 60 मेगा ओम, ऑप्शन बी है 55.6 मेगा ओम, ऑप्शन सी है 10.10 मेगा ओम, ऑप्शन डी है 1 मेगा ओम। इसका आंसर क्या होगा? आपका समय होता है समाप्त, और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी जो मेहनत है, अगर इस मेहनत में सच्ची लगन होगी दोस्तों, तो 22 तारीख को दोस्तों आप अपना जीवन बदल के रख देंगे। क्या दोस्तों? आने वाले 22 तारीख को दोस्तों आप अपना जीवन बदल के रख देंगे। अगर आपका संघर्ष दोस्तों सच्चे लगन और सच्चे मन के साथ हुआ होगा, और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरे दोस्तों लगन के साथ इस मेहनत में जुटे होंगे, इस संघर्ष के मार्ग पे दोस्तों अपना कदम रखे होंगे। तो हम भी दोस्तों ऐसे स्टूडेंट का, हम भी दोस्तों ऐसे स्टूडेंट को सलाम करते हैं जो दोस्तों मेहनत सच्ची लगन से करते हैं और अपना किस्मत दोस्तों खुद अपने हाथों लिखने की वो हिम्मत रखते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। सीआरओ यानी कि सीआरओ वेव मापक यंत्र का जो इनपुट प्रतिरोध होता है वो कितना होता है दोस्तों? 1 मेगा ओम इसका इनपुट प्रतिरोध होता है। कितना दोस्तों? 1 मेगा ओम इनपुट प्रतिरोध होता है। और सुनना, जो सीआरओ है ये क्या काम करता है, किसी भी पावर का क्या करता है दोस्तों, ये किसी भी जो आपकी पावर होती है ना, किसी भी पावर, चाहे वो दोस्तों एसी पावर हो या फिर दोस्तों डीसी पावर हो, किसी भी पावर का ये क्या करती है, वेव फॉर्म को पढ़ती है। किसको दोस्तों? ये वेव फॉर्म को पढ़ने का काम करती है। क्या करती है दोस्तों? वेव फॉर्म को पढ़ती है या फिर उसको डिस्प्ले करती है। ये किसका काम है? ये सीआरओ का काम है। क्यों ना हम थोड़ा सा दोस्तों जान लें कि इसमें किस प्रकार से पैटर्न बनता है एसी सप्लाई का और डीसी सप्लाई का। इसमें दो प्लेट होते हैं एक्स और वाई, अगर दोनों प्लेट को आप एसी सप्लाई देंगे तो इससे किस प्रकार के पैटर्न का निर्माण होगा? तो लिखेगा इससे लिसाजस, कौन सा? इससे लिसाजस पैटर्न का निर्माण होता है, यानी कि सीआरओ के डिस्प्ले पे लिसाजस पैटर्न बनता है। अगर इस पे हम डीसी सप्लाई देते हैं, इस पे अगर हम डीसी सप्लाई देंगे तो इस पे एक डॉट पैटर्न बनेगा। कैसा पैटर्न? डॉट पैटर्न बनेगा। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप अपने अपने लैंग्वेज में और अपने अपने भाषा में, अपने नोटबुक में इसको नोट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, और टाइमर भी दोस्तों आपके सामने आ चुकी है, यानी कि ये टाइमर रुकने वाली नहीं है दोस्तों। चलिए शुरुआत हो जाइए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, स्ट्रेकर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ध्रुव शक्ति क्वांटिटी, कौन सा इसका सही आंसर है? आपको कमेंट करना है और इसका आंसर बताना है। चलिए
ये दोस्तों समय की समाप्ति हो चुकी है, अब बारी है दोस्तों जानने की कि इसका आंसर क्या होगा, और आप भी उत्सुक होंगे कि इसका आंसर क्या सही होने वाला है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या, कौन सी क्वांटिटी दोस्तों? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिस क्वांटिटी को हम क्या पढ़ते हैं, राशि पढ़ते हैं। क्या दोस्तों? हम राशि पढ़ते हैं। और वेक्टर जो होता है इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्वांटिटी आती है, तो लिखेगा ये जो हमारी वेक्टर होती है, इस वेक्टर के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखेगा बल, फिर लिखेगा संवेग, बल संवेग, फिर लिखेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये भी यही क्वांटिटी, इसी क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। फिर लिखेगा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इसी क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। फिर लिखेगा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट विस्थापन घनत्व, इलेक्ट्रोलाइट विस्थापन घनत्व ये भी किस प्रकार की एक राशि है, ये वेक्टर राशि है। तो वेक्टर कौन कौन से हैं, वेक्टर राशि के अंतर्गत कौन कौन सी क्वांटिटी आते हैं, बल हो गया, संवेग हो गई, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या और इलेक्ट्रो विस्थापन घनत्व, इलेक्ट्रोलाइट विस्थापन घनत्व। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो चुका है। क्या दोस्तों आप भी 40 सेकेंड के अंदर ही इसका आंसर सही कर पा रहे हैं, सही ढूंढ पा रहे हैं या नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। और आपको क्या करना है दोस्तों, लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जो इंसान प्रैक्टिस करता है, जिसकी प्रैक्टिस मजबूत रहती है दोस्तों, वही क्या करता है, वही दोस्तों कामयाब होता है एग्जाम में, और वही दोस्तों एग्जाम को जीत पाता है। और आप दोस्तों क्या करने वाले हैं, एग्जाम को जीतने वाले हैं, और आपका समय दोस्तों बहुत ही आपके करीब आ चुका है। चलिए टाइम दोस्तों स्टार्ट होता है अगले क्वेश्चन का, अब तैयार हो जाइए। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला चॉपर में किस प्रकार का SCR प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए है इन्वर्टर ग्रेड SCR, ऑप्शन बी है कन्वर्टर ग्रेड SCR, ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेटर ग्रेड SCR, ऑप्शन डी है नॉन इंपल्स SCR। इसका आंसर क्या होगा आप ढूंढिए फटाफट। देखिए टाइम समाप्त हो चुकी है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला चॉपर में किस प्रकार का SCR प्रयोग किया जाता है, तो ये इन्वर्टर प्रकार की SCR। कौन सी SCR? इन्वर्टर प्रकार की SCR काम में लिया जाता है। अब सुनिए, जो आपकी इन्वर्टर प्रकार की SCR होती है इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो इन्वर्टर ग्रेड जो SCR होती है इसका जो ऑपरेशन होता है फास्ट ऑपरेशन होता है। कैसा इसका प्रचालन होती है? फास्ट प्रचालन इसमें होती है, क्योंकि जो इसके ऑन और ऑफ होने की, किसकी ऑन और ऑफ होने का जो इसका टाइमिंग है ना, ऑन और ऑफ होने का जिसका जो इसका टाइमिंग है, टाइम में हमें कंपेयर करना पड़ता है। तो ऑफ होने का जो टाइम है वो 3 माइक्रोसेकंड से लेकर के 50 माइक्रोसेकंड के बीच ये ऑफ हो जाती है। अगर आप इसको बंद करना चाहेंगे तो 3 माइक्रोसेकंड से लेकर के 50 माइक्रोसेकंड, जो कि पलक झपकते ही ये बंद हो जाती है, यानी कि ये बहुत ही सेंसिटिव है। कैसा SCR है? ये बहुत ही सेंसिटिव है, और इसकी एफिशिएंसी भी उच्च होती है। जिसका प्रयोग आप कहाँ पे करते हैं? इन्वर्टर में करते हैं। जो आप अपने घरों में इन्वर्टर लगा रखे हैं उसमें भी इसी प्रकार का SCR लगा हुआ है, और जो दोस्तों चॉपर होती है उसमें भी इन्वर्टर ग्रेड SCR काम में लिया जाता है। चॉपर क्या काम करता है तो नोट कीजिएगा, जो आपकी चॉपर है ये डीसी को ये डीसी में कन्वर्ट करती है। किसको? ये डीसी को डीसी में, यानी कि इंपल्स जिसमें होता है, जिस डीसी में, जो डीसी प्योर नहीं होती है उसको प्योर डीसी में ये कन्वर्ट कर देती है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। और सुनिए दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, और आपके सीने में दोस्तों वो आग मुझे दिखाई दे रही है, आपकी आंखों में दोस्तों वो हौसला मुझे नजर आ रहा है ना। बस दोस्तों आपको क्या करना है, बस इस आग को दोस्तों ठंडक नहीं होने देना है, इस आग में दोस्तों इस आग को ठंड नहीं पड़ने देना है। यही तो दोस्तों आपका हौसला है। क्या है ये? आग नहीं, ये तो दोस्तों आपका हौसला है, जो कहां काम
आने वाला है, जो दोस्तों एग्जाम के वक्त किस्मत लिखने में काम आने वाली है। और अब की बार दोस्तों अपनी किस्मत तो हम खुद लिख के रहेंगे, आपको दोस्तों अपनी किस्मत खुद लिखना होगा। आप इतना दोस्तों जो आपने इतना मेहनत किया, रात रात भर जाग के दोस्तों आपने जो तैयारी किया, भले दोस्तों वो तैयारी वो मेहनत दोस्तों आपको तकलीफ दिया होगा, लेकिन दोस्तों 22 तारीख के दिन दोस्तों वो तकलीफ किसमें बदलने वाली है, खुशी में तब्दील होने वाली है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो मेहनत करता है ना वही दोस्तों जीवन में खुश रहता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप तैयार रहिए दोस्तों। टाइमर आपके सामने आ चुकी है, रिसेट करता हूं मैं, स्टार्ट हो चुके हैं टाइम। क्वेश्चन पढ़ता हूं, ट्रांसफॉर्मर एक स्थिरक डॉट 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 उपकरण होता है। ऑप्शन ए सुनिए ताप, ऑप्शन बी है प्रवाहित करंट, ऑप्शन सी है सशक्ति, ऑप्शन डी है शक्ति। इसका सही आंसर चूज करें और एक नंबर अपने अकाउंट में कृपया ऐड करें। चलिए दोस्तों, समय की सीमा बिल्कुल क्रॉस हो चुकी है, अब वक्त आ चुका है इसका आंसर जानने में कि ट्रांसफॉर्मर एक स्थिरक है, स्थिरक उपकरण है, ये किस क्वांटिटी के मामले में स्थिरक उपकरण है। तो ये दोस्तों पावर क्वांटिटी के मामले में, यानी कि जो पावर है ये एक ऐसी राशि है जिसको ट्रांसफॉर्मर बिना चेंज किए वोल्टेज को चेंज कर देता है और करंट को चेंज नहीं करता है, करंट अपने आप चेंज हो जाती है। तो ये है दोस्तों आपकी एक ट्रांसफॉर्मर, जिसके बिना दोस्तों आज के समय, जिसके बिना आज के समय पावर का ना तो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है और ना ही पावर का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका ये जो ट्रांसफार्मर है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना दोस्तों इलेक्ट्रिकल जगत में दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर का सप्लाई करना मुझे नामुमकिन सा लगता है दोस्तों, क्योंकि पावर जनरेट हो रही है, हम डायरेक्ट पावर को जनरेट करके ना ही ट्रांसमिट कर सकते हैं और ना ही दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहां पर लगाना पड़े या स्टेप डाउन, लेकिन हम लगाते जरूर है। तो यही है दोस्तों ट्रांसफार्मर, जो पावर को बिना चेंज किए और बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए ये वोल्टेज को चेंज कर देती है और करंट अपने आप चेंज हो जाती है। तो चलिए आगे कदम बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है और 6 आपके सामने है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बात याद रखिए दोस्तों कि जो रोशनी उत्पन्न करने वाला, जिसको आप मोमबत्ती कहते हैं दोस्तों, जब तक वो खुद जलकर पिघलता नहीं दोस्तों तब तक वो रोशनी नहीं उत्पन्न कर पाता। बस दोस्तों अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप बेखौफ मेहनत कीजिए, बेझिझक मेहनत कीजिए दोस्तों। आप मेहनत नहीं, आप जल रहे हैं, क्योंकि आप एक दिन रोशनी बनकर दोस्तों आप क्या करेंगे, अपने घर अपने परिवार का दोस्तों नाम रोशन करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, लगातार आपको बढ़ते रहना है। और कब तक दोस्तों आपको आगे बढ़ना है, जब तक कि दोस्तों कामयाबी आपके कदमों तले ना आ जाए। और कामयाबी दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सफलता होती है ना दोस्तों, सफलता हमेशा उन लोगों का गुलाम होती है जो मेहनत करते हैं। और आप भी दोस्तों क्या कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों पड़ी है और इसका आंसर देते हैं। चलिए टाइमर देखिए दोस्तों, रिसेट करता हूं मैं और टाइमर स्टार्ट करता हूं, इसका आंसर बताइएगा। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ऑप्शन ए सुनिएगा 3×10^22 साइकिल प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 3×10^20 साइकिल प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 3×10^12 साइकिल प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है 3×10^16 साइकिल प्रति सेकंड। इसका सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल दोस्तों, समय की समाप्ति हो चुकी है, अब बारी है इसका सही आंसर जानने की। एक्स रेज का मतलब क्या होता है? एक्स किरण जो है दोस्तों, ये क्या एक्स किरण है? तो जो आपकी एक्स किरण है ये एनर्जी है। क्या दोस्तों? एक एनर्जी है जो
किरण के रूप में है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो नोट करना दोस्तों, 3×10^20 साइकिल प्रति सेकेंड हर्ट्ज में होती है। किसमें? हर्ट्ज में होती है। अगर मैं आपसे कहूं जो गामा किरण है, कौन सी किरण? जो गामा किरण है, इस किरण की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो 3×10^19 साइकिल प्रति सेकेंड हर्ट्ज। ये क्या है? ये आपकी है गामा किरण की फ्रीक्वेंसी। किसकी? गामा किरण की फ्रीक्वेंसी। और 3×10^16 साइकिल प्रति सेकेंड ये अल्ट्रा वायलेट तरंग की। किसकी? अल्ट्रा वायलेट रेज की है ये फ्रीक्वेंसी का मान। और 3×10^12 साइकिल प्रति सेकेंड ये इंफ्रारेड की। ये किसकी है? इंफ्रा रेड रेज की ये फ्रीक्वेंसी का मान है। और 3×10^22 ये कॉस्मिक रेज। किसकी? ये कॉस्मिक, नोट कीजिएगा, ये किसकी है? कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी, कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी। और आपको दोस्तों जानना होगा आज कि कॉस्मिक रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज और दोस्तों इंफ्रारेड, ये तीनों जो किरण है ये हम दोस्तों इन किरणों को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, या तो हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा या फिर दोस्तों हमें एक विशेष प्रकार का चश्मा का प्रयोग करना पड़ेगा, तब दोस्तों हम इसको देख सकते हैं कि ये जो किरण होती है ये कैसी होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला कदम आपका देखिए, जब आप अगले कदम की ओर बढ़ेंगे तो कौन सी क्वेश्चन आती है? क्वेश्चन नंबर 7 आती है। और हां, अब टाइमर स्टार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। पावर सिस्टम की प्राप्ति स्थल पर फेरांटी प्रक्रिया कब देखा जाता है? ऑप्शन ए है, भेजा गया वोल्टेज कम या ज्यादा प्रदान किया गया वोल्टेज से हो तब, या भेजा गया वोल्टेज बराबर ना हो प्रदान किया गया वोल्टेज से तब, या भेजा गया वोल्टेज बड़ी हो प्रदान किया गया वोल्टेज से तब, या भेजा गया वोल्टेज छोटी हो प्रदान किया गया वोल्टेज से तब। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सही? चलिए टाइम खत्म हो चुका है दोस्तों, और इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि भेजा गया जो वोल्टेज है ये प्रदान किया गया वोल्टेज से कम है। यानी कि अगर दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है जहां से वोल्टेज ट्रांसफर किया जा रहा है, भेजा गया वोल्टेज कितना है? 33 kV, और आपके घर तक जो वोल्टेज आ रही है वो आपको कितना मिल रहा है दोस्तों? 35 kV। कितना? 35 kV। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? तो इस फिनोमिना को हम फेरांटी प्रभाव कहते हैं। क्या? फेरांटी प्रभाव कहते हैं। और ये जो फेरांटी प्रभाव है ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में दोस्तों ना के बराबर होती है। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सबसे अधिक देखने को मिलता है, लेकिन आप पढ़ते हैं तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का भी नाम आता है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में भी ये प्रभाव होती है, लेकिन वहां पे ना के बराबर होती है, यानी कि तुच्छ होती है। तो ये रहा फेरांटी प्रभाव का असर, जो कि भेजा गया वोल्टेज कम है और प्रदान किया वोल्टेज अधिक है। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है? तो लिखिएगा, चार्जिंग करंट के कारण। किसके कारण? चार्जिंग करंट के कारण। चार्जिंग करंट के कारण जो रिसीविंग एंड पर, जो रिसीविंग पॉइंट पर जो वोल्टेज हमें प्राप्त होता है वो अधिक होता है सेंडिंग पॉइंट से। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके लिए अब आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में किस मशीन का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन सुनेगा, ऑप्शन ए है डीसी मशीन, ऑप्शन बी है इंडक्शन मशीन, ऑप्शन सी है सिंक्रोनस मशीन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों, अब बारी है जानने की कि इसका सही आंसर क्या होगा। किसी कंप्यूटर सिस्टम में किस मशीन का उपयोग किया जा सकता है?
डीसी मशीन का, किसका, डीसी मशीन का उपयोग कर सकते हैं। अब आप ऐसा सोचने पे मजबूर हो रहे होंगे कि डीसी मशीन का कैसे उपयोग किया जाता है, तो सुनिए, जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप सिस्टम है, आपने देखा होगा कि जब आप लैपटॉप ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक फैन चालू हो जाता है। उस फैन में डीसी मोटर लगा हुआ है, ब्रुशलेस डीसी मोटर लगी हुई है, और वो जो ब्रुशलेस डीसी मोटर है उसकी जो साइज है बिल्कुल मिनिमम साइज, माइक्रो साइज की वहां पर डीसी मोटर काम में लिया जाता है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम इंडक्शन मोटर का क्यों काम में नहीं ले सकते इंडक्शन मोटर को, तो इंडक्शन मोटर के लिए आपको एसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, या तो वो सिंगल फेज की होगी या तो वो थ्री फेज की होगी। तो आप किसी भी लैपटॉप को चलाते हैं तो क्या बाहर से आप कोई इनपुट सप्लाई देते हैं? नहीं ना, नहीं देते। और जब आप मोटर लगा देंगे तो उसको इनपुट सप्लाई देने की आवश्यकता होगी, जो कि दोस्तों एक इम्पॉसिबल सा काम लगता है। और दूसरी बात कि इंडक्शन मोटर का जो आकार होता है डीसी मोटर के बहुत बड़ी होती है, इसीलिए हम लगा नहीं सकते कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप सिस्टम में। तो कौन सा मोटर काम में लेते हैं आप? हमेशा डीसी मोटर को ही महत्व देते हैं, क्योंकि इसकी जो साइज होती है बहुत छोटी होती है, आसानी से ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये फिट हो सकती है। तो आंसर इसका हो चुका है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके लिए टाइमर स्टार्ट होती है आपकी। अब देखिए चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं कि अवरोधक का कलर बैंड बी आर वाई जी है, किस मूल्य का अवरोधक है? ऑप्शन ए है 12×10^4, 22×10^1, 2×0.1, 12×0.01। कितना इसका सही आंसर होगा? समय यहां पे देखिए समाप्त हो चुकी है। और देखिए जब आपका एग्जाम और करीब आ जाएगी तो हम आपके लिए इस टेस्ट सीरीज में कौन से क्वेश्चन को इंक्लूड करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को इंक्लूड करने वाले हैं, वहां पे आपकी जो प्रैक्टिस तैयारी कराई जाएगी दोस्तों 40 सेकंड के अंदर न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ये दोस्तों एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें अगर आप 40 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को दोस्तों ढूंढ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी मानी जाएगी। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको हार नहीं मानना है। तो देखिए अवरोधक का कलर बैंड बी आर वाई जी है, किस मूल्य का अवरोधक होगा? सबसे पहले आपको क्या पकड़ना होगा, इसके सूत्र को पकड़ना होगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या है, सुनिए, जो इसका सूत्र है वो सूत्र क्या है, देखिएगा सूत्र क्या है कि पहली रंग गुणे 10 प्लस दूसरी रंग, प्लस क्या है, दूसरी रंग, पहली रंग गुणे 10 प्लस दूसरी रंग गुणे तीसरी रंग, ये इसका क्या है, ये इसका सूत्र है। तो देखिएगा पहली रंग यानी कि B का मतलब क्या है, यहां पे देखिएगा यहां पे जो B है, B का मतलब ब्राउन, और ब्राउन यानी भूरा होता है, और Y का मतलब क्या है, एलो, एलो का मतलब होता है पीला, और फिर है सॉरी पहले है R, पहले क्या है R, R का मतलब है रेड, यानी कि रेड का मतलब है क्या, लाल से। तो इसमें देखिए कैसे हम सूत्र के अनुसार फिट करते हैं कि पहला जो रंग है जो B है ब्राउन का कितना होता है, एक मान होता है गुणे 10 प्लस दूसरा कौन सा रंग है R, R का मान होता है 2। जब आप इसको गुणा और मल्टीप्लाई प्लस करके जो भी करेंगे कर दीजिए, 10 × 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। अब गुणे है तो आप गुणे लगाइए, और तीसरा रंग क्या है, तीसरा रंग है वाई, और वाई का जो मल्टीप्लाई होता है जो उसका गुणज होता है 10^4 होता है। तो ये हो गया इसका सही आंसर, 12×10^4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। 10^1 गुणज किसका होता है, तो ये ब्राउन का होता है, किसका, ये
ब्राउन का होता है और 0.1 ये किसका है, तो ये सोना का है। किसका? ये सोना का है दोस्तों, सोना बाबू नहीं, ये सोना मटेरियल की बात हो रही है। सोना बाबू को दोस्तों अभी आपको थोड़े टाइम के लिए क्या करना होगा, थोड़े से टाइम के लिए साइड करना होगा। बस एक बार 22 तारीख बीत जाने दीजिए, फिर सोना बाबू भी अपना लाइफ भी मस्त हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद सोना बाबू भी अपना, हर कोई अपना ही अपना है ना। तो देखिए 0.01 किसका है, ये चांदी का है। तो सोना, चांदी और ब्राउन, और ये किसका हो गया दोस्तों, यानी कि ये पूरा फाइनल किसका हो गया, ये हो गया अवरोधक का कलर बैंड, जिसका कलर है BRY और G। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो चुका है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके लिए देखिए टाइमर स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं कि किसी डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शन में से किसके दौरान ऊर्जा सेविंग किया जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए क्या है, गतिशील ब्रेकिंग, ऑप्शन बी है प्लगिंग ब्रेकिंग, ऑप्शन सी है पुनः उत्पादित ब्रेकिंग, ऑप्शन डी है एडी करंट ब्रेकिंग। चलिए आपने अपने 40 सेकेंड का पूरे समय का इस्तेमाल कर चुका है। किसी डीसी मशीन के निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शन में से किसके दौरान ऊर्जा सेविंग किया जाता है, गतिशील ब्रेकिंग, प्लगिंग ब्रेकिंग, पुनः उत्पादित ब्रेकिंग, एडी करंट ब्रेकिंग। आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी, पुनः उत्पादित ब्रेकिंग, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब बताइए अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का आप इस्तेमाल किस मोटर में करते हैं, तो आप लिखेगा हम संट मोटर में करते हैं। किसमें? हम केवल और केवल संट मोटर में करते हैं। किसी संट मोटर को हमें ब्रेक करना है, चलते हुए संट मोटर को हमें रोकना है, तो रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके आरपीएम को उल्टा दिशा में घुमाना होगा। जिस दिशा में ये आरपीएम कर रहा है उसके उल्टा दिशा में हमें इसके शाफ्ट को घुमाना होगा। तो हम कैसे घुमा सकते हैं, एक फॉर्मूला के माध्यम से हम चलिए इसके डायरेक्शन को घुमाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से सुनिए, जो आर्मेचर करंट होती है ये समानुपाती होती है वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ के, वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ के, और आर्मेचर रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी के साथ में देखिए जो आपका बैक ईएमएफ है, ये बैक ईएमएफ समानुपाती होती है फ्लक्स के और गति के। अगर आप इस गति को बढ़ाएंगे तो बैक ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा, और जब बैक ईएमएफ का मान बढ़ जाता है तो जो आपकी आर्मेचर करंट होती है ये निगेटिव में हो जाती है, और जैसे ही आर्मेचर करंट निगेटिव में हो जाती है वैसे ही टॉर्क भी निगेटिव हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो टॉर्क होता है ये फ्लक्स एवं आर्मेचर करंट के समानुपाती होती है। और जब आर्मेचर करंट देखिए यहाँ पे निगेटिव में है तो टॉर्क भी निगेटिव में हो चुकी है। और अगर मोटर के शाफ्ट पर इस दिशा में टॉर्क पहले लग रहा था तो आपका मोटर का जो शाफ्ट था इस दिशा में घूर्णन कर रही थी, अब ये टॉर्क नेगेटिव हो चुकी है यानी कि इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगी तो मोटर इस दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाएगी। पहले इस दिशा में घूम रही थी अब इस दिशा में घूमेगी, तो हो गई ना मोटर की आरपीएम में चेंजिंग, मोटर के डायरेक्शन में चेंजिंग। और जैसे ही मोटर 0 आरपीएम पे आएगी वैसे ही हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को डीसी संट मोटर में अप्लाई करेंगे और मोटर दनादन आपकी रुक जाएगी। तो ये रहा दोस्तों आज का वो 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूं। अब दोस्तों देखिएगा अब आगे दोस्तों आने वाले कल में चौथा एपिसोड के लिए आप तैयार रहना, और दोस्तों चौथे एपिसोड में आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों हम डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पेश कर सकते, है ना। न्यूमेरिकल भी मिक्स रहेगा और नॉर्मल भी मिक्स रहेगा, नॉर्मल न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल और नॉर्मल, तब आएगा दोस्तों इस टेस्ट में मजा। और हाँ दोस्तों अब आप कमेंट करके बताइए कि ये टेस्ट से कितना दोस्तों आपको सीखने को मिला, और क्या आपने दोस्तों 40
सेकेंड के अंदर क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढने में सक्षम हैं आप या नहीं है। क्या दोस्तों 40 सेकेंड वाली खिलाड़ी आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते? यकीन मानिए आप बन सकते हैं, बस दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर 40 सेकेंड के अंदर ही क्वेश्चन को सही आप कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी आपकी मानी जाएगी। तो चलिएगा मेरे दोस्तों, चलिएगा लौट कर वापस कल सुबह फिर से आइएगा 7 बजे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो UPPCL की जो आपकी क्लास दोस्तों सुबह 7 बजे YouTube पर दोस्तों हम आपको दिया करते थे, अब उसको दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको दोस्तों हम इवनिंग टाइम पे 5 बजे आपको देना स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि आज दोस्तों, कल तो हमने 5 बजे दिया था, आज भी हम 5 बजे ही देंगे। जब तक दोस्तों MPTO का एग्जाम नहीं हो जाता, उस क्लास को शिफ्ट कर दिया गया है दोस्तों, कब, 5 बजे। तो आप दोस्तों 5 बजे देख लेना। हम आपके लिए दोस्तों रोजाना YouTube पर दोस्तों UPPCL के लिए भी और MPTO के लिए भी, यानी कि दोनों विद्यार्थियों के लिए, दोनों एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों हम क्लास दे रहे हैं, पैरेलल में चला रहे हैं। सुबह टाइम में दोस्तों MPTO के लिए और दोस्तों उल्टी टाइम में यानी कि 5 PM पर हम दे रहे हैं UPPCL वालों को। तो बिल्कुल दोस्तों, हम UPPCL का चाहे स्टूडेंट हो, चाहे दोस्तों MPTO का स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट से हमें प्यार है, हर स्टूडेंट से हमें दोस्तों क्या है, स्नेह है। हमें ख्याल हर किसी का रखना है और हर किसी का हाथ पकड़ के आगे चलना है। तो चलिएगा मेरे दोस्तों, वापस लौट कर दोबारा जरूर आइए। चलिए, मैं मिलता हूँ दोस्तों एक नया कंटेंट के साथ और एक नए अंदाज और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, थैंक यू।